राजगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा बाजार में गत दिन वृद्धा कौशल्या देवी सोनी को गंभीर रूप से घायल कर देने वाला अवारा सांड के कस्बे के बाजारों और गलियों में खुला घूमने से कस्बे वासियों में भय व्याप्त है। कौशल्या देवी सोनी के पुत्र दीपक सोनी, परिजन कालू सोनी ने बताया कि 26 मार्च को मालाखेड़ा बाजार निवासी 85 वर्षीय वृद्धा कौशल्या देवी सोनी पत्नी रामोतार सोनी घर के बाहर खड़ी हुई थी, तभी एक अवारा सांड ने उसे सींगों पर उठाकर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने बताया कि कौशल्या देवी के पैर और सिर में गंभीर चोट लगी है और चोट लगने से राजगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर उनका भी इलाज कराया जा रहा है, जहां उनके 200 से अधिक टांके लगे हैं। गौरतलब रही कि अभी भी दर्जनों अवारा सांड सहित अन्य पशुओं के खुले में घूमने से अभी और भी हादसे घटित हो सकते हैं। नागरिकों ने बताया कि विगत वर्षों से अवारा सांडों के द्वारा दर्जनों लोगों को घायल करने के अलावा मौत की गोद में सुलाया जा चुका है, लेकिन गंभीर घटनाओं होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन है। जानकारी के अनुसार इस घटनाक्रम की रिपोर्ट भी मंगलवार को दीपक कुमार सोनी के द्वारा राजगढ़ थाने में दर्ज कराई गई है। नगरपालिका के जुगनू तंबोली सहित उनकी टीम द्वारा आतंकी सांड को पकड़कर अन्यत्र छोड़ दिए जाने के समाचार मिले हैं।